हम अभी देखे नहीं है, जाके देखेंगे तब। मैडम चेन्नई बात हुआ होगा, नीतीश कुमार सब आंगन में आ गया है, हम नहीं देखे हैं। जिस स्टालिन को लेकर आज बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जोरदार हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने किया और मांग न्याय की जा रही थी, उस पर एक कदम आगे बढ़कर तेजस्वी यादव ने जो पहल है वो कर दी है। गौरतलब हो कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर थे उनकी बर्बरता से पिटाई की गई थी और इसको लेकर दोनों ही सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की नीतीश सरकार को घेरा और सबसे ज़्यादा जो चर्चा और फजीहत हुई वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की थी, क्योंकि स्टर्लिन के जन्मदिन के मौके पर तमिलनाडु में ही मौजूद थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। दोनों नेताओं ने केक काटा और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया कि एक तरफ बर्बरता से बिहारी मजदूरों की पिटाई तमिलनाडु में हो रही है तो वहीं के मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव केक काट रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी जो पहल है वो कर दी है और पूरा घटनाक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता दिया है। इस बात की जानकारी खुद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और MLC राबड़ी देवी ने दी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि पूरे मामले पर स्टर्लिन से तेजस्वी यादव ने बातचीत की है और आगे इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि पूरा मामला CM नीतीश के संज्ञान में है और जो उचित कार्रवाई है उसके लिए सरकार तैयार हो चुकी है। पहले आप सुनिए राबड़ी देवी का ये पूरा बयान। हम अभी देखे नहीं है, जाके देखेंगे तब। मैडम चेन्नई में जो बिहारी मजदूरों पर जो पिटाई हुई है, मैडम कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी भी कल वहाँ पर थे, बात हुआ होगा, नीतीश कुमार सब आंगन में आ गया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकरण को लेकर दोनों ही सदनों में भारतीय जनता पार्टी ने हाय तौबा मचाया था उस पर एक सोच आगे रखते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जो जांच के आदेश हैं वो भी निश्चित तौर पर आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगे। राबड़ी देवी ने यह स्पष्ट किया है कि तेजस्वी यादव ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और इसको लेकर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टर्लिन उनसे भी बातचीत की गई है। ऐसे में अब जब तेजस्वी यादव पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी, वहीं राबड़ी देवी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम तत्परता से पूरे मामले को देख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब वापस बिहार लौटेंगे तेजस्वी यादव तो पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे। निश्चित तौर पर जो सत्र बिहार का चल रहा है इसमें आज मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जिस मसले को बनाया था वो बर्बरता से मजदूरों की पिटाई की थी और अब इस पर सरकार पहल करते हुए आगे संज्ञान की तैयारी कर रही है। कैमरा सहयोगी विश्वजीत के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन पटना।